बच्चों आरकेसी स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों कक्षा पांचवी है, देखिए पांचवा पाठ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने नई गली का है उसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं और मैंने बताया था आप लोगों को आगे की वीडियो में हम लोग भाषा पढ़ने वाले हैं। तो भाषा में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपरे, प्रत्यय का अर्थ होता है पौड़े मतलब बाद में। तो अगर हम जब जब लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रत्यय प्रत का अर्थ प्रति का अर्थ होता है। इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस अय है ना, प्रति जोड़ अय होता है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में, है ना, साथ में रहेगा या बाद में रहेगा। और अय का अर्थ होता है चलने वाला मतलब साथ में चलने वाला शब्द लेकिन अंत में। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता देती हूँ आप लोगों को, सुंदर रसता। तो जो ये शब्द है बच्चों ये हमारा प्रत्यय है सुंदरता, इसके बिना हमारा शब्द अधूरा होता है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, जिस शब्द के अंत में एक नया शब्द जोड़ कर नए अर्थ प्रकट किया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो ये जैसे मधुर है ना, मधुर में अगर हम लोग मधुर जोड़ ता किए हुए हैं तो यहाँ पर अगर जब हम लोग ता जोड़ते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। तो देखिए हम लोग क्या नया शब्द बनता है, मधुरता, है ना, इसे ही प्रत्यय कहा गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रत्यय है क्या, जिस जो शब्द में अंत में जोड़ा जाता है और जिससे नए शब्द की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। चलिए और देख लेते हैं, आनंद जोड़ इक। तो यहाँ पे ई की छोटी मात्रा है ना, अगर यहाँ पे ऐसा ये रहता तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे आनंद दिक। यहाँ एक नया शब्द उभर कर आता है ना, जैसे आनंद एक अपने में नया शब्द है मतलब वो एक नाम है, हम लोग किसी को नाम से पुकारते हैं जैसे आनंद हुआ ना। और यहाँ पे इक जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया आनंदित, है ना, स्थान जोड़ ई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, स्थानीय, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को ये राष्ट्र आप लोगों को लिखना है कठोरता, देखिए कठोरता यहाँ पे है कठोर जोड़ता, यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है यह जी जी व जोड़ इक, क्या है इसका अर्थ बच्चों, जीवित। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों की प्रत्यय क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। जब ये प्रश्न उत्तर आप लोग करेंगे बच्चों तो उससे पहले इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। जो संधि विच्छेद मैंने बताया है उसके साथ, संधि विच्छेद जो मैंने बताया है वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आप लोगों को देखना है कि मैंने क्या बताया है और उसका अर्थ मैंने क्या बताया, ताकि आप लोगों को जब भी इसे इसके बाद हम लोग प्रत्यय करें तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी उसे लिखने में। अभी तक हम लोगों ने शायद प्रत्यय नहीं किया है इसीलिए मैंने अच्छे से इसको बताया है। तो ठीक है बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।